हेल्थ में मिशन 60 किसका देन है? ये इन्वेस्टमेंट हुआ उद्योग में किसका देन? इक्विटी एजुकेशन का दिशा हुआ किसका देन है? थे तो नीतीश जी पहले ही मुख्यमंत्री, अब नीतीश जी तो है ही नहीं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ नीतीश जी इज नॉट नीतीश। देह की भाषा, चेहरे की बनावट, हाथ का इशारा, हाथ का, जब मोदी जी की को टक्कर दे रहे तेजस्वी जी, जनता प्यार कर रहे तेजस्वी जी से, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, ए टू जेड, माई और बाप सब। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और चुनावी बरसात भी शुरू हो गया है। विधायकों का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे बिहार की बात करें, हिमाचल की बात करें, अलग अलग राज्यों में विधायक अपनी जगह यानी कैरियर, जो राजनीतिक कैरियर की बात करें, तलाशने में जुटे हुए। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव जी, क्या लग रहा है? जनता तो आप लोग के साथ है, लेकिन कहा जाता है कि जनता खूब आती है। आरजेडी की, इंडिया गठबंधन की बात करें तो भीड़ खूब आती है, लेकिन वोटों में तब्दील की बात होती है तो वहाँ जनता नदारद हो जाती है। हम तो एक लाइन में आपको बता दिया कि भीड़ जनविश्वास का प्रतीक है। 3 तारीख को जनविश्वास का पुनर्स्थापन फिर से है, जो वादा 2020 में किया उसको 17 महीने में लागू किया। 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल थी नहीं भाजपा क्या? नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव होते हैं, नौकरी का जॉब बैन का मतलब तेजस्वी यादव, आईटी पॉलिसी, ट्रूज पॉलिसी, मिडल लॉ, नौकरी पाओ, हेल्थ में मिशन 60 किसका देन है? ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ उद्योग में किसका देन है? इक्विटी एजुकेशन का दिशा हुआ किसका देन है? ये कहाँ है? 17 साल तो थे ही, डफली बजावे से को जनता मानने ला तैयार है। थे तो नीतीश जी पहले ही मुख्यमंत्री, अब नीतीश जी तो है ही नहीं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ नीतीश जी, अब नहीं है। प्रेजेंट टाइम नीतीश जी इज नॉट नीतीश जी। देह की भाषा, चेहरे की बनावट, हाथ का इशारा, हाथ का ओलारपन, प्रदर्शन, उनके प्रति ममता का भाव हम लोग के लिए रखने के लिए मजबूर करता है। दया करिए उन पर, ऐसे लोगों पर दया करना चाहिए। राजनीतिक प्रतिक्रिया के योग्य नहीं हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया उन लोगों पर दी जाती है जो योग्य हों। सामने बैठ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर ब्रह्मास्त्र के लायक नहीं है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिव्यास्त्र के लायक नहीं है, दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समान वान का सामना करने योग्य नहीं है तो समान वान का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर दया, भाजपा ने एक शिखंडी खड़ा की है। भाजपा 24 में डूबने वाली है, एक शिखंडी पुनः लाई है। उसी पे आ रहे हम। 24 में आपने कहा डूबने वाली है, 20 में भी आप लोग को अपार जन समर्थन मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ वोटों से आप लोग भी पीछे रह गए, सरकार नहीं बनी, लेकिन बीच में सरकार भी बनी। लेकिन 24 से पहले जितना वोट 2020 में हम प्राप्त हुआ है महागठबंधन को, उससे 20 लाख अधिक वोट और प्राप्त होगा। 24 में चुनाव भी है, जनविश्वास यात्रा पर है, सत्ता से बाहर होने के बाद कहा जा रहा है, लेकिन अपार जन समर्थन, इसमें कोई दो मत नहीं है। सब लोग दिखा भी रहे और जनता जागरूक है, देख रही, लेकिन एक नाव है मोदी जी की, नाव उस पर खूब सवारी भर रही है। लड़ाई जो है मुद्दा बना मोदी के, नाव पर लोग खूब चढ़ रहे हैं। अरे डूबने वाला नाव पर चढ़ा दीजिए ना, डूबने वाला ताका है। देश में मुद्दा बना मोदी 3 तारीख को तय हो जाएगा। मुद्दा होगा किसान का, नौजवान का, देश की अर्थव्यवस्था का, आम आदमी की महंगाई का, बैंक NPA 12 लाख करोड़ मुद्दा होगा सामने, 173 लाख करोड़ देश पर कर्ज हो गया मुद्दा होगा सामने, किसान की आय है, MSP है, सब सामने आएगा। किसान आंदोलन पर बैठे हैं, नौकरी के लिए बात होगी। भाजपा क्या किया बता दीजिए? भाजपा ने किया ही क्या है? भाजपा ने कॉरपोरेट घरानों को पोसने पालने के बजाय देश को तोड़ने, पार्टियों को तोड़ने या खरीदने और बिक्री करने के सिवाय कौन सा काम किया बता दो देश में? अंदर में आप लोग की सरकार थी, उस समय जाति गणना हुई तो भाजपा ने कहा है कि 94 लाख, जो आप लोग थे सरकार में, 94 लाख को हम रोजगार देंगे। 94 लाख को तो कर क्या है ना, 2-2 लाख रुपया स्वावलंबी बनने के लिए, घर के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन के लिए, वो क्या करेंगे? ये सब चरवाहा हरवाहा की चर्चा कहाँ करते हैं? भाजपा में जो बैठा हुआ है सब क्या है? 17 को पार्टी के पत्तल चाट करके वहाँ जा कर करके जीभ निकाल रहा है, लंबा लंबा चाट रहा है, पत्तल जीभ निकाल रहा है। क्या राजनीतिक कमिटमेंट इन लोग का पोलिटिकल है जी? कोई अस्तित्व है? कब कहने पलट के क्या बोलने लगेगा कोई?
इस वक्त तो निरजता की प्रकाष्ठा। 2 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद से आप लोग की जनविश्वास यात्रा है, उसके बाद से नीतीश कुमार जा रहे हैं। अरे हमने क्या कहा, क्या मोदी जी की को टक्कर दे रहे तेजस्वी जी, विश्व की भले ही बड़ी पार्टी हो लेकिन मुद्दों पर तेजस्वी जी टक्कर दे रहे हैं। झुकने का नाम नहीं, लड़ने का नाम तेजस्वी है। जुमले का नहीं, जनविश्वास का नाम तेजस्वी है। मन की बात का नहीं, काम की बात का नाम तेजस्वी है। सामने सारे लोग चीज आएंगे ना, जनता प्यार कर रहे तेजस्वी जी से, हर जाति हर धर्म हर मजहब के लोग, ए टू जेड, माई और बाप सब। 2 तारीख आ रहा है, डरे से ना पहले ही लाज बचाने के लिए कि 3 तारीख के बाद को रैली करेंगे तो हम ब्रेक तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। 4 और 3 तारीख के रैली के बाद बिहार में भाजपा एक बड़ी खेला करेगी जदयू के साथ। 4 और 10 के बीच में एक नया स्वरूप दिखाई पड़ेगा बिहार में। मतलब दूसरे दल के लोग टूटेंगे तो जदयू कह रहा, हम तो कह रहे हैं ना आपको, नीतीश जी नीतीश जी नहीं है, वंस अपॉन ए टाइम देर बाजे नीतीश कुमार, निशाना कहीं और है। हमने तो एक लाइन में कह दिया ना आपको, पहले ही तो बता दिया, हमारे यहाँ से इक्का दुक्का जो गया तो एंटी डिफेक्शन लॉक का शिकार हो जाएगा बेचारा, प्राण टूट जाएगा पहले ही, 1 महीना के अंदर उनको सदस्यता जानी तय है। नाव पलटनी है 24 में, पता से बताइए ना, वो समूचे में छेद है। अब विश्वास की नाव कितना दूर तक तय करेगी बताइए। चलिए तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ साफ कह दिया नाव तो पलटनी है, और जिस तरीके से 2 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं डरे हुए हैं, 3 को अपार जन समर्थन मिल रहा है, और आप लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव 17 महीने बनाम 17 साल की बात कर रहे हैं, और जनता खूब इन्हें समर्थन दे रहा है, लेकिन कितना वोटों में तब्दील होगा 24 में देखना होगा। लेकिन एक और बात इन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार यूरोप जा रहे हैं, और 4 और 6 यानी 10 के बीच में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। अब ये खेला क्या होगा, इनका निशाना कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस के कई विधायक टूट रहे हैं, आरजेडी के भी एक विधायक हाल ही में टूटे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जदयू पर निशाना है। अब देखना ये है कि कौन सा खेला देखने को बिहार में मिलता है।